हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स की तरफ से जो एसकेट का जो फॉर्म निकलता है उसका, यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से एसकेट 1/2023 का जो बैच का फॉर्म है उसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है, और मेट्रोलॉजी का फॉर्म जो होता है इसके अंदर अप्लाई होता है। ये जो फॉर्म का जो लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं वो 30 दिसंबर 2022 को रखा गया है, जहां पे आपका जो स्टार्टिंग यहां पे एग्जामिनेशन का हो सकता है वो जनवरी 2024 होगा। यहां पे फीस की अगर बात करते हैं तो यहां 2500 रुपये लगेगा सभी कैटेगरी का, लेकिन अगर आप एनसीसी से स्पेशल एंट्री की हो या मेट्रोलॉजी से एंट्री की होंगे तो आपको यहां पे किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है। उससे पहले आपको यहां पे एज लिमिट याद होना चाहिए कि आपका उम्र कितनी चाहिए, कम से कम फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल होना चाहिए, और जीडी के लिए जो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल के लिए कम से कम 20 से 26 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि 5 साल SC/ST को और 3 साल OBC को मिलेगा। तो चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफी था। आप चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके सामने, ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्टर हियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको आपका पहला नाम देना है, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन में था। उसके बाद आपके पापा का नाम और फिर अपने मम्मी का नाम लिखना है। इसके बाद जो आपका ईमेल आईडी होगा आपको अपना ईमेल आईडी देना है। इसके बाद इंडियन है तो आपका इंडियन का सिलेक्शन भी कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखेगा, कंफर्म कर लीजिए कि दिया हुआ नंबर सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप यहाँ आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा, उस दोनों ओटीपी का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। और फिर यहाँ पे आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ओटीपी जो आया उसको यहाँ पे डालना है, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है, और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन या साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद साइन अप के ऊपर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप देख लीजिएगा, आपको पासवर्ड दिया होगा तो आपको अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है उसका इस्तेमाल करना है, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करने के बाद लॉगिन का जो ऑप्शन है आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो पासवर्ड जो बनाने का तरीका है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए और कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए, और वो भी 8 से 20 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो अपने पासवर्ड को बना लेना है, और इसी पासवर्ड को कन्फर्म करके कैप्चा कोड को डालने के बाद जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। हो सकता है कि ये फॉर्म जो है आपका स्लो भराएगा अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है और ये सर्वर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो इसका है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे आसानी से फॉर्म को भरते जाना है, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका पासवर्ड यहाँ पे रिसेट हो जाएगा, और अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड अपने आपने बनाया वो डालना है, और इस कैप्चर कोड को यहाँ डालने के बाद जो लॉगिन का जो ऑप्शन है आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको लॉगिन पेज पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एसकेट का और एक दूसरा होगा एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच का। तो मैंने आपको कहा आपको जो भी क्वालिफिकेशन होगा आपको उसका सिलेक्शन करना है, बाकी जो प्रोसेस है भरने का वो दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं एसकेट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो एसकेट का जो ऑप्शन आता है आपको एसकेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप एसकेट का अप्लाई कर रहे हैं, अगर एनसीसी का अप्लाई कीजिएगा तो एनसीसी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, नीचे में डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, और सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा होगा आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका फिर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो देख लीजिएगा आपने डिटेल भरा था पहले वो सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कट मार्क्स या कहीं वर्ल्ड मार्क्स के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद उसके आपको यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया है कभी आपने CPSS या PABT पायलट टेस्ट जो होता है वो पास किए हैं या नहीं किए हैं, आप वो बता दीजिएगा। अगर FPL नहीं हुए तो नॉट FPL लिख दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास करंटली वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको अगर नो पे क्लिक करते हैं तो भी चलेगा, अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाद में दिखाना पड़ेगा आपके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक किया। इसके बाद पूछ रहा है कि आपने एयरफोर्स में पहले काम किया है या नहीं किया है, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं,
उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपने शादीशुदा है, तो यहाँ पे शादीशुदा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर ही अपने डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म भी कर लेना है। ये कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ मैच हो चुका है और सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेवन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ लिखा जाएगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, या ग्रेजुएशन सब पीजी किए हैं या इंटीग्रेटेड पीजी किए हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पूछेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब यहाँ पे ये कैटेगरी क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप ए का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि कम से कम यहाँ पर, तो ग्रुप ए के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है ग्रुप ए में जो मैकेनिकल से जो ब्रांच के जो भी होंगे वो यहाँ पे मैकेनिकल का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि ये ग्रुप ए का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप ब्रांच देख पा रहे हैं, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, ये सभी क्या है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। जबकि आप ग्रुप बी का अगर देखेंगे तो बीटेक होना चाहिए 4 साल का, जहाँ पे साफ मेंशन किया गया है क्या इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ब्रांच होगा उसमें जो भी आप यहाँ बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप नाम यहाँ देख लीजिएगा ब्रांच का आपको उसमें अगर आ रहा है तो यही आप ग्रुप बी का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सी का आता है, जैसे बीकॉम हो गया या बीबीए हो गया या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गया या फिर क्वालिफाइड सीए है, सीएमए है, सीएस, सीएसए है, ये जो आपका डिग्री होगा अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप ग्रुप सी पे जाइएगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी ब्रांच नहीं मिल पा रहा है इस दिनों में से तो ग्रुप डी का आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा। इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ ही पापा को नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा जाएगा। तो यहाँ मेरा मैकेनिकल था, मैंने मैकेनिकल का सिलेक्शन किया था, तो यहाँ से ब्रांच का नाम पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप AMIE या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किए होंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा। तो मेरा बीटेक कंप्लीट है तो मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया। इसके बाद आपको जो भी होगा सिलेक्शन कर लीजिएगा। इससे ब्रांच का नाम पूछेगा, तो ब्रांच जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन लिखना है, तो यहाँ पर अपना कोर्स का ड्यूरेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद किस कॉलेज से पास किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं उसका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट कब तक निकलेगा या कब तक आपका रिजल्ट निकल चुका है वो अपना सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा। जो बच्चे अपीयरिंग में दिए गए हैं तो आपका एक्सपेक्टेड डेट डालना है, ऐसा नहीं कि कंफर्म एकदम होना ही चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट डाल सकते हैं कि आपका इस तारीख को या इस महीने में आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका परसेंटेज जितना भी आया था अपना परसेंटेज लिख लीजिएगा। और उसके बाद करंट बैक लोग पूछ रहा है, अगर आपके पास कोई बैक है तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज आया था तो आपको उसका सिलेक्शन करना है। फिजिक्स में आपको कितना, इंटर में कितना मार्क्स आया था या कितना परसेंटेज था उसका सिलेक्शन, मैथ में कितना आया था आपको उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेवन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोर्स का प्रेफरेंस का, जिस भी कोर्स का पहले अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका इधर लिख के आ जाएगा। तो जो भी होगा आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना और सभी कोर्स को सिलेक्शन करना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि पहले नाम किसी को आगे पीछे करना है तो सबसे पहले इसको टिक करके पहले वापस कीजिए, उसके बाद टिक के उसको आगे बढ़ कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास एमसीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं वो बताना है। इसके बाद एसएससी में इंटरव्यू में कभी अपियर हुए कि नहीं वो बताना है। और आपको ये नॉलेज कहाँ से पता चला तो आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपने गेट एग्जामिनेशन दिया है कि नहीं दिया आपको वो बताना है। अगर दिया हो तो यस पे क्लिक करेंगे, कब पास किए हैं और कितना ग्रेट स्कोर किए वो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। इसके बाद सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेवन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल देना है कि आपका गांव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना, स्टेट का सिलेक्शन, सिटी कौन सा है या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेम होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अब इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फोटो यहाँ ध्यान रखना है कलर का होना चाहिए और जो फोटो के ऊपर जो नाम होना चाहिए वो लिखा रहेगा पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, तभी वो अपलोड होगा, वरना ये अपलोड नहीं होगा। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच का। इसके बाद सिग्नेचर जो आपका है वो सिग्नेचर के नाम का फोल्डर होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपका लेफ्ट हम इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है या राइट हम इम्प्रेशन, यहाँ पे वुमेन के लिए और मेन कैंडिडेट के लिए लेफ्ट हम इम्प्रेशन रहेगा। तो अपना जो फाइल का नाम रहेगा थम इम्प्रेशन का लिखा रहेगा और फोटोग्राफ यहाँ पे जो ये थम है वो 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और प्लेस का नाम लिखकर सेवन कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना सेंटर यहाँ पे चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। तो अपना जो स्टेट में आपको सेंटर देना है आप उसे सिलेक्शन कीजिएगा और जिस सिटी का नाम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे 5 सिटी का सिलेक्शन करना होगा। ये सभी सिलेक्शन करने के बाद सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेवन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब
यहाँ पर आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपके द्वारा जो डिटेल भरा गया है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही रहेगा तभी यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आता है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से देखेगा और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट डिटेल का जो ऑप्शन आएगा आपको सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है, टिक लग चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा तो मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1 है और पेमेंट गेटवे 2 है। तो आप जिस भी माध्यम से करना चाहें पेमेंट गेटवे 1 से या पेमेंट गेटवे 2 से आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे का ऑप्शन आएगा, पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे HDFC क्रेडिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड, ऐसा यहाँ नहीं ये लिख रहा है कि आपको फिर कि आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, ऐसा नहीं थे। आप यहाँ पर जो भी सिलेक्शन करना है आप यहाँ पर डेबिट कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो कार्ड क्या है, रुपए का है, मास्टर का है या वीजा का है, आप उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो नाम होगा कार्ड के ऊपर वो नाम देना है, एक्सपायरी डेट देना है और CVV नंबर देना है। इसके बाद यहाँ कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा जो बैंक से रजिस्टर्ड है और उस OTP को यहाँ पर डालते ही यहाँ पर वो पेमेंट कंप्लीट होगा और फिर से आपको बैंक भेज दिया जाएगा पेज के ऊपर, जहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट एप्लीकेशन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ से प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। इस प्रकार से जो फॉर्म होगा आपका फिल अच्छे तरह से हो जाएगा और आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।